मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। देव है जमींदार, दहकता हुआ सूरज और लेडीज राधा डाकू। आम क्या चीज है, इज्जत क्या है, सोने चांदी हकीकत क्या है, लाख बहलाए कोई दौलत से प्यार के सामने दौलत क्या। देखो राधा, ये बुलेट मोटरसाइकिल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसकी सवारी क्या तुम नहीं करोगी? और मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज तुम्हारा चेहरा जो है ये उतरा उतरा सा लग रहा है चाचा जी। और नहीं ये गरीबों के काबिल सवारी, नहीं ये गरीबों के काबिल सवारी, नहीं ये गरीबों के काबिल सवारी, दम घुट रहा है बीमार मैया, दम घुट रहा है, दो जाने हमें हो रही देर भारी, दो मोटरसाइकिल सिर्फ अमीर लोगों के शान की सवारी है, हम गरीबों के लायक नहीं है। और रही बात मेरी उदासी का, तो मेरी माँ बीमार है, इसलिए आज थोड़ा फायदा हुआ तो थोड़ा चेहरे पर हंसी आई थी। राधा, ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ बीमार है? नहीं, तुम्हें तो पैसों की इस वक्त बहुत सख्त जरूरत होगी। माँ बीमार थी इसलिए तो ठाकुर साहब से कर्जा लाए थे हम लोग। समझ गया, इसलिए राधा तुम दवा की फिकर है ना उनकी करो, तुम दवा की फिकर है ना उनकी करो, रुपयों की बौछार शुद्ध हो जाएगी, मान लो चल के ठाकुर कि तुम बात को तेरे घर की गरीबी ये भग जाएगी। राधा तुम दवा की फिक्र मत करो, मेरी बात मानो, तुम्हारे घर की गरीबी सब भग जाएगी। है विधाता नहीं आएगी, कृष्ण जी के भरोसे ये राधा सुनो, उनकी कृपा से मां मेरी बच जाएगी। चाचा जी,
हम लोग वैसे ही बहुत पैसा ले चुके हैं, कहां तक कर्जा लेंगे। मैं तो बस भगवान के भरोसे पर हूं, अगर वो चाहेंगे तो मेरी माँ जरूर ठीक हो जाएगी। यानी तुम भगवान के भरोसे हो, वो मुरली वाले के भरोसे हो। राधा तुम्हें ये नहीं मालूम, हमारे ठाकुर बैरहम सिंह यहाँ गरीबों के अन्नदाता है, गरीबों के मसीहा है, गरीबों के दुख दर्द में वो हमेशा साथ देते हैं। वो बात सब ठीक, लेकिन माफ करना चाचा जी, मैं हवेली पर नहीं जा सकती, हमारी इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे। तो कर्जा ठाकुर तेरे पिता ने लिया, कर्जा ठाकुर ठाकुर से तेरे पिता ने लिया, राधा तुझे अब तक वो मांगा नहीं, राधा दर पास उनके चलोगी नहीं, बात लाला सुने तेरी ज्यादा नहीं। राधा तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारा बापू ठाकुर साहब का कर्जदार है और तुम चलने से इनकार कर रही हो। देखिए लाला राम, मैं आपकी इज्जत करती इसलिए कुछ कह नहीं रही हूँ, भलाई इसी में कि मेरा रास्ता छोड़कर और चुपचाप चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तू क्या कर लेगी, ये लौंडिया लाला मुनीम का क्या कर लेगी। अरे लाला मुनीम के लोग कितनी इज्जत करते हैं। रास्ता मेरा रोकोगे लाला अगर, अरे रावण से फूलन देवी मैं बन जाऊंगी, चूमती हूँ कदम जान दीजिए मुझे। चूमती हूँ कदम जान दीजिए मुझे, वरना बीमार न रोको। ये साली तोटके की लौंडिया फूलन देवी बन जाएगी, हो संभाल कर बात कर लौंडिया। तुम साथ नहीं जानते, जब दो टके के इंसान अपने औकात पे उतर आते तुम जैसे अमीर लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। और अमीर लोग जब अपनी औकात पर आ जाते हैं, ये जो गरीब होते हैं इनको हम अमीर लोग जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा समझते हैं। मानते मेरे पिताजी आपके कर्जदार हैं, ठाकुर साहब से कर्जा लिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी आबरू बेचकर कर्जा लिया है, पैसा लिया तो उसके बदले में पैसा ही लोगे। तुम तो बहुत भाषा मार रही हो, ठाकुर साहब की हवेली पर नहीं चलोगी, बुलेट की सवारी नहीं करोगी। अरे मैं कितने अरमान लेकर आया था। चले जा बुढ़ा खूसट हरामी। उल्लू की पट्टी हमका खूसट बुढ़ा बना रही है। हबरा 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 हमका कुछ कहो, हम लड़कियों की बात को बुरा नहीं मानते। अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम 78 वर्ष के हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, ठाकुर साहब के पास तो बाद में ले जाएंगे, पहले हम अपने लिए कुछ सोचते हैं। रामी बुढ़वा का करैया, बुढ़वा देखे ओमेन का करते हैं। तौबा तौबा ये जवानी का गुरु, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा, कैसा कहते थे ना आएंगे मगर दिल इस तरह पुकारा, तुम्हें आना ही पड़ा। अरे हमसे दूर काहे भाग रही हो, ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है
पला कहीं चाली पठिया। अभी देखो हम तुम्हारी गर्मी कैसे मिटाते हैं। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें तेरा मगर किसी है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किसी है। तमन्ना मचल के संभलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। करीब रे आवो कदम तो बढ़ावो, करीब रे आवो कदम तो बढ़ावो, झुका तू न मैं सर तो चर। और क्या कहना है? नाम क्या चीज है, इज्जत क्या है, सोने चांदी की हकीकत क्या है, लाख बहलाए कोई दौलत से, प्यार के दाम ने दौलत क्या है, तुमने बचाया था। और आवो कदम तो बढ़ावो, करीब आवो कदम तो बढ़ावो, झुका दूं न मैं सर तो चल किसलिए। हेलो हमारी गाने मिल जावे, ये 20 रुपए कलम बंदी नाम फिर आए हैं गम नाम से, उनका कहना जरा प्यार लपक और चपक के साथ होना चाहिए। लपक चपक के है यहाँ तो हम चाहते हैं। तुमने सजाया, तुमने चमारा मेरे सुने दिल को, तुमने बताया मेरे सुन दिल को, तुमने बताया जिस चमन से गुजर जाओ हर कली पर निखार आ जाए, रूठ जाओ जो तुम रूठ जाए वो खुदा, और हर तो बाहर आ जाए। तेरे मुंह पर थूकूं पहले तो लात मारा।
अब मैं मेरे मुंह पर थूक दिया। मेरे खूबसूरत चेहरे पर तूने बदनुमा दाग लगा दिया। खूबसूरत चेहरा देखो हराम हराम जादी, अगर तूने मेरे मुंह पर थूक दिया है तो मैंने इसको चाट लिया। मैं बहुत बेशरम इंसान हूँ। मुझे जाने दो और मैं शोर मचाऊंगी। अब कपड़ा उतारो जल्दी, अब हम तुम्हारा साथ में हैया हैया करूंगा। क्या गला तो फट जियो रे मेरा काली पटिया बजा। छोड़ दे रे बस्ती से और ये है नाच गाना। से और ये है ना झुकनार और एक अपलाप दे बस पर और तू करता अत्याचार। तो काले लड़के तू बता तेरा यहाँ क्या। कौन है लड़के तू बता तेरा यहाँ क्या काम। वरना मैं तुझे पहुंचा हूँ चोटाम। मर्द है और दुश्मन मुसला है। मारता मर्द और दुश्मन मुसला और तो पर नजर वो उठाता नहीं। तीर है खोता और तीर ही कोसता और तो पर नजर वो उठाता नहीं। तो ठीक है ना तुम्हारा देखे मगर देखे मगर लड़कियों के बिना काम चलता नहीं। तुम चले जाओ अपने वतन को लला जो बच्चों से लाला लगाता नहीं। बच्चों के बल पर ही है अड़ी पृथ्वी। बच्चों के बल पर ही है अड़ी पृथ्वी वरना ये पाप को झेल पाती नहीं। राम की सीता होती दुल्हन न जो वापस लंका से हर की को आती नहीं। तब मुझको लगता है तेरी कदा आ गई रे। है तेरी कदा आ गई इसलिए तू गलता जहर जा रहा। आधा तो मेरे बच्चे का नहीं तुझको मैं भी दाग भूल गया। बकवास मत कर। हाथ में रिवॉल्वर लेकर अपने आप को मर कहता है। अगर वाकई में मर्द है लाला तो रिवॉल्वर जमीन पर डाल फिर देख अपनी मौत का नजारा। लाला मुनीम अपना रिवॉल्वर जमीन पर डाल दे और लाला मुनीम का पटुआ जैसा मरोड़ के डाल दे भोसड़ी के। हम बेवकूफ हैं क्या बुढ़े खोसट। तो ये शर्म नहीं आती है एक लड़की को छेड़ते हुए। लड़की को छेड़ने का शर्म कहां है कि रे। रोटी होती खाने के लिए कपड़ा होता पहनने के लिए और लौंडिया होती है सिर्फ छेड़ने के लिए। अच्छा कितनी उम्र हो गई है अपनी उम्र की तरफ देखा है ख्याल किया है। आप पनीर दलाई घर में हो ना छेड़ को दलाई हमारी दुनिया में है कहां रे। अच्छा देहा देहा ध्यान तो हो गया। लाइन को मरे 15 वर्ष हो गए। अच्छा। तब से ऐसे हम नंदुआ घूम रहे हैं। बकवास मत करो और चले जाओ यहां से। कहां चले जाए जहाँ जाना चाहते हो। अच्छा हम जाना कहाँ चाहते हैं रे। इस लड़की को छोड़ दो भलाई सी में। अभी पकड़ेंगे इसका कपड़ा उतारेंगे झाड़ी में ले जाएंगे फिर इसका साथ में हम हैया हैया करेगा। और फिर बाद में हम तुझे पटकैया करेंगे साले। तुम पटकैया करोगे। तुम्हारी बातों पर हमको हंसी आ रही है लौंडे। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है पढ़ाई लिखाई करो लौंडिया के चक्कर में मत पड़ो मतलब तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाए। दूर से बात कर। है दूर से बात कर साले हपले। इन लुका पर था इडियट कहीं का। तो चला गोली ये कल का लौंडा लाला मुनीम को बनवा लेगा। अरे तो चला गोली देर क्यों कर रहा है। तुम्हारी भलाई इसी में है। लाला मुनीम के पैर छू लो और कहो लाला मुनीम मुझे माफ कर दो। अगर हमको दया आ गई तो हम माफ कर देंगे वरना नहीं।
लगता है तेरी मौत आई है लाला। मौत किसकी आई है ये तो वक्त बताएगा, हम इस लौंडिया को जरूर ले जाएंगे। देखो बेलझरिया फूल वाली घूम रही हो मेरी जान। इसका मतलब ऐसे नहीं जाओगे है? हमको लगता है तुमको परलोक सुधार करके तब उसके साथ में हमको हैया हैया करना पड़ेगा। अबे बुड्ढे छक्की से हो गोली ऊपर आसमानी उड़ा दिए, डरा रहे हो का? मैं जानती हूँ। अरे तो बिटिया सब हम मजाक कर रहे थे। अरे मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे भैया, मजाक। अरे भैया ये का करे, पुरखा आदमी की ऐसे ही झटकी जाती है, है? बहुत हेकड़ी दिखा रहे थे अपनी अवस्था तरफ नहीं। क्या हो जाता है जब हम कोई अच्छी खूबसूरत लौंडिया या किसी एक औरत देख लेते हैं तो पता नहीं हमारे दिल में क्या होने लगता है। इसी रामपुर के निवासी हो या साले अहमदपुर के निवासी हो? कहाँ रहते हो? अहमदपुर में नहीं रहते, रामपुर में रहते हैं। तुम भैया कहाँ रहते हो? और मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, अरे दुष्ट लाला मेरी बात मानो। कर दूंगा मुंह तेरा काला, दिखाना है ताकत मुझे तुम दिखाओ। नहीं भैया हम ताकत नहीं दिखाना चाहते। आंखें तुम्हारी बहुत सही। यही साले हरामी पन अपने घर भी करते होंगे। धर्मा भैया कोई ना, अकेले हम हैं। अच्छा हमारे अरे धर्मा छोरा हमारे परिवार हम कोई ना। हम कहीं कोई मोटी वोटी होगी ना? मोटी वोटी हम कुछ ना भैया। इस उम्र में ज्यादा जवानी ना सवार हो हरामियो, नहीं तुम्हारी जवानी भगवान से फाली से कर दे। फाली भैया हम अब ऐसा करो, इस लड़की के पैर तुम छू, हम और नाक रगड़ो। नाक तब तक रगड़ो जब तक तुम्हारी नाक रगड़ न जाए। अब तुम तभी जाओगे जब नाक रगड़ोगे और पैर छूओगे। अरे पैर छूने से नाक रगड़ने से कोई हमारी इज्जत कम नहीं पड़ जाएगी? कम नहीं पड़ जाएगी। ये हमारे गांव की बिटिया है, इसके पैर छूना कोई हमारे लिए अच्छा। करो ना कि जल्दी से पैर छुओ। पैर छोले हैं? पैर छुओ। ऐसे ही माफी मांग ले। ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी। ये सॉरी बोल ला। बहुत इंग्लिश वाले हो, बहुत इंग्लिश पढ़े हो भैया। पैर इसलिए नहीं छूना चाहते हैं,
यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं, ये सब अपोजिट पार्टी वाले इंसान हैं, हमको देखकर ताली बजाएंगे। हमारी इज्जत क्यों तमाशा करते हो जो लोग इकट्ठा हो गए? अब तो इकट्ठा हो गए हैं वो तो तालियां बजाएंगे। अरे हम पैर छू लेंगे भैया, तुम काहे को नाराज हो? देर मत करो, जल्दी से। तुम्हारे खुर कहाँ निकला? मैं बकरी हूँ। ये खुर जानवर बताओ साले, यहाँ कोई जानवर है? बकरी हूँ मैं, बकरी हूँ मैं। हमने बिहार में कभी कभार खुरों को बोल देते हैं पैर। चलो जनाब पैर छू जल्दी से। पैर छू लेंगे बिटिया, पैर जानते हो कहाँ है? का तुम्हारे पैर अंतर लागे है का बिटिया? छू अच्छा फिर बाद में बताएंगे। कई कांगल का बिटिया? चलो छू, ऐसे नहीं, अभी रुक जा, ये नाक रगड़ेगा। एक बात सुन लो, पैर छूने जा रहे हैं, अगर कोई खींच फाड़ा, कोई ताली बजाया, तो जो चार गांव के लोग जन इकट्ठा हुए हो, पूरे गांव के पूरे गांव फुकवा देंगे हम। अभी नाक रगड़ना बाकी रह गया। देख तेरी तेरी बेइज्जती पर कितने लोग शोर मचा रहे, ताली बजा रहे। अब काम करना है भैया, अभी नाक रगड़ना है। नाक कैसे रगड़ी जाती है? लेटो, लेटा है औंधा, लेटो मतलब सीने के बल, सीने के बल लेट जाओ और नाक रगड़ो, ऐसे ही रगड़ा जाता है। ठीक है, कोशिश करते हैं। बूढ़ी हड्डियां थोड़ा तिरछा है, सीधी नहीं हो पाती। हां सीधी हो जाएंगी अभी, लेटो लो। बेटिया क्या हुआ? एक बात हमको बताओगे? क्या बताओ? तुम्हारे पैर बिल्कुल सोकटक गड्डी जैसे मालूम। ना लायक पैर देखते, बहुत नरम है पैर, गरम है। कुछ समझ में आया? अब बेटिया हमको बहुत शर्म लग रही है, अब हम क्या करें? अब तुमको शर्म लग रही है? अरे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। चुल्लू भरे पानी में कौन मर जाएगा? तो दौरा मिल गया तो चुल्लू भरे मर गए। शर्म घर आ गई है तो कहीं पर डूब मर जाओ। शर्म घर आ गई है तो कहीं पर डूब मर जाओ। दिया माफ मैं तुमको, चले सीधी गगन जाओ। और सुन ओ लाला, उठो, आज के बाद याद रहे, मुझे ही नहीं बल्कि किसी गरीब लड़की को सताओगे तो इससे बदतर हाल होगा तेरा। अब अपने दिल में हम ठान लिए हैं, आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। चलो जितने गांव की लड़कियां हैं उनको अपनी लड़की समझेंगे, जितनी गांव की माताएं हैं उनको हम अपनी माँ समझेंगे, जितनी गांव की औरतें हैं, जितनी गांव की औरतें हैं उनको हम अपनी, और नहीं अपनी बुढ़िया समझो, औरत समझोगे? कहने कुछ और यार, अब नालायक तू औरत वाला कहाँ रहा? अरे अरे रुको एक मिनट, ये इसको दे दो वरना फंसा देगा इसके इल्जाम में हम लोगों को, डुप्लीकेट है। अरे एक मिनट एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉनिक है क्या इसमें खटका उड़का रही है? एटोमेटिक मशीन है। चल ये छाता ले निकल, चुपचाप भाग, कुत्ता उत्ता नहीं भागे यार। हेल भैया हमारी किस्मत में ना लिखा था, अरे तुम टमाटर जैसा माल सुनते हो, हम जा रहे हैं। बहुत बुढ़ा हरामी लेकिन राधा।